हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री राहुल किचन। मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय बेकिंग वीडियोस, दैट इज हाउ टू मेक व्हिप्ड क्रीम एट होम। वेरी इजी। इसके लिए अपने पास है फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम मैं मार्केट से लेके आई हूँ और इसे मैं फूड प्रोसेसर में व्हिप करने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि फूड प्रोसेसर में व्हिपिंग ब्लेड कहाँ होती है, तो आइए इसका मैं आपको वीडियो बताती हूँ। ये है व्हिपिंग ब्लेड और इसका पूरा वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे और कहाँ यूज होती है। सो दिस इज फूड प्रोसेसर एंड दिस इज व्हिपिंग ब्लेड। जो आपके पास फूड प्रोसेसर है उसमें इस तरह की व्हिपिंग ब्लेड आती है और इसे इस तरह से इसमें फिट करना होता है और इस तरह से इसका कैप कवर होता है। डेकोरेशन में जो क्रीम यूज में होती है वो भी इसमें आप इजीली व्हिप कर सकते हैं। तो देखिए, क्रीम डाल के मैं इसे व्हिप कर रही हूं और थोड़ा सा चिल्ड वाटर मैंने इसमें ऐड किया है। फूड प्रोसेसर में जस्ट हार्ड एंड हार्ड 2 or 3 मिनट में ये व्हिप हो जाती है। हैंड ब्लेंडर या हैंड विस्कर जो आता है उसमें हमें टाइम लगता है। मेरे पास फूड प्रोसेसर था इसलिए मैंने फूड प्रोसेसर यूज में लिया है। तो यहाँ पे आपका व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। सेकंड पार्ट पाउडर्ड शुगर का मैं आपको बताऊंगी इन माय नेक्स्ट रेसिपी ऑफ बेकिंग वीडियोस। हाउ टू मेक पाउडर्ड शुगर एट होम, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी इस रेसिपी के बाद। इसे ऐड करने के बाद हम इसे जस्ट फॉर 30 सेकंड के लिए वापस से व्हिप कर लेंगे। तो ये तैयार है आपकी व्हिपिंग क्रीम। वेरी इजी एंड क्विक स्टेप्स टू गो। जरूरी नहीं है आप इसके लिए हैंड ब्लेंडर या हैंड विस्कर लें। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है उससे भी आप क्रीम को व्हिप कर सकते हैं घर पे। देखिए, बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम जो मार्केट की होती है वैसे ही हमने इसे रेडी की है। इसे आप शेक्स में, केक की टॉपिंग्स पे या फिर किसी भी रेसिपी में आप चाहें जिसमें यूज में ले सकते हैं। यू ऑल्सो ट्राई दिस स्टेप एंड गिव मी योर फीडबैक। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर डिलीशियस एंड यम्मी रेसिपीज। Okay, this is my channel. Please subscribe it. See you with the next recipe. Bye-bye.